समाज हमेशा मातृशक्ति को आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने कहा कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, उसे निरंतर आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, वो न ही एनडीए में शामिल होगी और न ही इंडिया का हिस्सा बनेगी। सपा और कांग्रेस ने मायावती के निर्णय से जताई असहमति, कहा इससे विपक्षी गठबंधन होगा कमजोर, भाजपा को मिलेगी ताकत। इंडिया विपक्षी गठबंधन की मुंबई में होगी अगली बैठक, 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी दल के नेता इस बैठक में लेंगे भाग। मनरेगा को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ग्रामीण विकास मंत्रालय आधार आधारित भुगतान को 31 अगस्त 2023 तक बढ़ाया। गृहमंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की सब्सिडी के लिए पीएम मोदी का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा रक्षाबंधन का पर्व अपने परिवार में खुशियां बढ़ाने का दिन होता है, गैस की कीमतों में कटौती होने से मेरे परिवार की बहनों की सहूलियत बढ़ेगी। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज जेल प्रशासन के अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा इस वर्ष भी प्रदेश की सभी कारागारों में राखी बांधने की समुचित व्यवस्था की जाए। रक्षाबंधन से ठीक पहले केंद्र की मोदी सरकार ने ग्राहकों को महंगाई पर दी बड़ी राहत, सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडरों पर 200 रुपए राहत देने का ऐलान किया है। देशभर में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को दी बधाई। आज रक्षाबंधन के पर्व पर सीएम योगी लखनऊ के मंत्री आवास पर लोगों से मिले और उनकी समस्याओं का तत्काल प्रभाव से निस्तारण करने का दिया निर्देश। यूपी सरकार ने आज आधी रात से 31 अगस्त की आधी रात तक महिलाओं के लिए बस यात्रा की प्रदान की निःशुल्क सुविधा। रक्षाबंधन के अवसर पर दिल्ली में स्कूली बच्चियों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधी, पीएम मोदी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। जम्मू कश्मीर की स्कूली छात्राओं ने जम्मू कश्मीर में तैनात बीएसएफ के जवानों को बांधी राखी, रिश्तों में बदल रहा है सशस्त्र सेना बलों के साथ कश्मीर का रिश्ता। रक्षाबंधन से एक दिन पहले आधी रात को केदारनाथ धाम में लगने वाले अन्नकूट मेले की तैयारियां शुरू, इसके लिए मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। राष्ट्रीय खेल दिवस पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि एक साल में पूरे देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र की स्थापना होगी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे प्रज्ञान रोवर ने वहां ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की है। रोवर ने दक्षिणी ध्रुव पर एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन का भी पता लगाया है। दक्षिणी ध्रुव के पास चंद्र सतह पर अब प्रज्ञान रोवर हाइड्रोजन की खोज कर रहा है, चंद्रमा की सतह पर रोवर ने ऑक्सीजन की मौजूदगी की पुष्टि की है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी में बुजुर्गों को मिलेगा मुफ्त इलाज, 11.74 लाख परिवार होंगे कवर, 60 साल से ज्यादा हर सदस्यों को आयुष्मान योजना के तहत हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी गोंडा के दौरे पर रहेंगे, मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के अलावा राहत और बचाव कामों की समीक्षा भी करेंगे।